Students, in the previous video, I explained about Gregor Mendel and his why he selected plant pea, what were the advantages. So, pure varieties of pea were available, and we can say that it's an annual plant and it has a short lifespan and it gives results within 3 months. A large number of seeds are produced per plant. And it can be grown easily. It does not need any extra care except at the time of pollination. And the F1 hybrids which are obtained are fertile. So he selected Pisum sativum for his experiments. Hun bete jadon unhone P select kita, Mendel selected 7 traits of Pisum sativum. ठीक है, he selected 7 pairs of true breeding garden pea varieties, and the traits which always appear in two opposing conditions. ठीक है, one dominant and other is recessive, and these are called as contrasting traits. So he selected 7 contrasting traits. So now let's see which 7 traits he took. So first we have the character, then we have the dominant trait and the recessive trait. So first is the seed shape. Unhe seed di shape dekhi ki seed round hai ya wrinkled hai. Theek hai, wrinkled matlab ohde ch wal hai. Ta inu bete donate kita with the capital R. Aapa jehda dominant trait hunda jive main pehla samjhaya unu aapa capital लैटर नाल डोनेट करते हैं, तो जिहड़ा रिसेसिव हुंदा रिसेसिव ट्रेट हुंदा उन्हों स्मॉल लैटर नाल. सो कैपिटल आर इज फॉर राउंड सीड एंड स्मॉल आर इज फॉर द रिंकल्ड सीड. सैकेंड इज सीड कलर कि सीड येलो है या सीड ग्रीन है. सो येलो इज द डोमिनेंट ट्रेट एंड डोनेटेड बाय कैपिटल वाई. Green is the recessive trait and donated by small y. So two characters of the seeds he took. Now we come to the flower color. Hun bete dekhya bhi flower da color violet hai ya white hai. Violet is a dominant trait. This is donated by capital V. White is the recessive trait, so it is donated by small v. दैन फ्लार पोजिशन, फ्लार के भी दो करैक्टर्स उन्हें स्टडी किए. फ्लार पोजिशन कि फ्लार है जोड़े वो टिप पर लगे है, वी कॉल इट एज टर्मीनल. जे साइडा पर लगे है, पास्या फ्लार ग्रो कर रहे हैं, वी कॉल इट एज एक्सीयल. तो एक्सीयल पोजिशन से जी फ्लार की, दैट वॉज अ डोमीनेंट ट्रेट एंड डोनेटड बाय कैपिटल ए. टर्मीनल फ्लार्स इज अ रिसेसिव ट्रेट एंड डोनेटड बाय अ small a. So two characters of seeds and two characters of flower. Now we come to the pod shape. Phali keho ji hai bhi, phali fully hui hai, inflated ya un full kehne hai bhi full hai, te ke constricted hai bhi ode chahe zigzag je bane hai. Theek hai, ta jehdi phali hai jehdi inflated hai unu bete dominant trait manne hai, and we donate it by with capital I. एंड जी कंस्ट्रिक्टड है, सुंगड़ी हुई जी फली है, दैट इज अ रिसेसिव ट्रेट एंड डोनेटेड बाय अ स्मॉल आई. दैन इज द पॉड कलर भी फली का रंग केड़ा है. अगर ग्रीन है तो दैट इज द डोमिनेंट ट्रेट डोनेटेड बाय अ कैपिटल जी. अगर वह कलर येलो है फली का, तो इट इज़ अ रिसेसिव ट्रेट डोनेटेड बाय अ स्मॉल जी. दैन स्टैम हाइट कि प्लांट की जी स्टैम है, प्लांट है जोड़ा वो टॉल है कि शॉर्ट है. शॉर्ट मीनस डवाफ. अगर प्लांट टॉल है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ डोमीनेंट ट्रेट, इट इज़ डोनेटेड बाय अ कैपिटल टी. एंड इफ द प्लांट इज शॉर्ट, द स्टैम इज शॉर्ट, प्लांट इज कॉल्ड अ डवाफ एंड इट इज अ रिसेसिव ट्रेट एंड इज डोनेटेड बाय अ स्मॉल टी. सो जिहड़े डोमीनेंट ट्रेट्स हुंदे है ये एक्सप्रैस करते हैं, तो जिहड़े रिसेसिव ट्रेट है ये आपदे आप नूं एक्सप्रैस नहीं करते. डोमीनेंट मतलब हावी,
जिहड़े जिहड़े कैपिटल च लिखे आपां ये हावी हो जांदे ओवर द स्मॉल जिहड़े आपां लैटर्स लिखे है रिसेसिव ट्रेट दे उत्ते, सो द रिसेसिव ट्रेट्स आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैमसेल्वस। सो बेटे आपां डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस करांगे पेरेंट्स दे, ये सैवन पेयर्स जिहड़े हैगे है गार्डन पी दे लै के, तां ये तुसीं हुण याद कर लैणा है भी कैपिटल आर इज़ फॉर राउंड सीड, कैपिटल वाई इज़ फॉर द येलो सीड, कैपिटल टी इज़ फॉर द स्टेम हाइट, राइट। सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैपिटल टी फॉर स्टेम हाइट, आर फॉर द राउंड सीड शेप, राइट। सो डोमिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल अल्फाबेट एंड रिसेसिव बाय अ स्मॉल लेटर। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, व्हाट ही डिड। नाउ हाइब्रिडाइजेशन मीन्स टू मिक्स टू पेरेंट्स टू गेट अ offspring to get a new generation. So what he did, so I hope you remember in chapter 2 we did about the emasculation, that is to ensure cross pollination, ki self pollination na hove ta apa ek flower de jehde hai male part hai jehda oda jehda androecium hai ja oda apa keh sakde oda jehda stamen hai oh apa remove kar dinne hai, us to baad ohde utte apa ek bag pa dinne hai and जिस तरह का अपन जड़ा है एक आप दूसरा जड़ा है प्लांट लेने हैं उतों आप जो प्लांट आप चूज करते हैं पोलन ग्रेनस आप एक प्लांट दूसरे प्लांट के जिदे चो आप एंथर्स रिमूव करते जो स्टिगम है वह आप डस्ट कर दें विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश विच इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पोलीनेशन एंड अगेन वी आर गोइंग टू बैग दैट, उस तो बाद सीड्स ते फ्रूट्स वगैरह मिल जाते। तो सेम वॉज डन बाय मेंडल लोंग लोंग बैक। सो लेट्स सी, सो फर्स्ट ही सिलेक्टेड टू पी प्लांट्स विद कंट्रास्टिंग करैक्टर्स, ठीक है। मेंडल ने बेटे दो प्लांट्स ले ले ते उन्ना जिन्ना दे कंट्रास्टिंग करैक्टर सी, ठीक है। एंड ही ऑलवेज सिलेक्टेड प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट्स, हमेशा उन्हें प्योर ब्रीडिंग ले, ठीक है। मेंडल ने प्योर पेरेंट्स लैके स्टडी की, सब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, सैल्फिंग की, उस तो बाद प्योर पेरेंट्स सिलेक्ट किए उन्होंने, फिर अगेन एंड अगेन ही क्रॉस्ड द प्योर पेरेंट्स, ठीक है। फिर उन्हें क्या कि गमीट्स आर प्योर, तो की किया प्योर ब्रीडिंग, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी ना कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये नहीं लेने आप ले प्योर ब्रीडिंग जेडे कि होमोजाइगस सी, हेटरोजाइगस नहीं ले आप प्योर ब्रीडिंग ले कैपिटल टी स्मॉल टी पेरेंट्स ले ले। उस तो बाद बेटे उन्हें एंथर्स रिमूव करते एक पेरेंट दे एक फ्लावर दे, दैट इज कॉल्ड इमैसकुलेशन टू अवॉयड सैल्फ पोलीनेशन। फिर बेटे आर्टिफिशियल पोलीनेशन की विद द ब्रश, ठीक है। ही डस्टेड द पोलन ग्रेन्स ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द स्टिग्मा ऑफ द इमैसकुलेटेड फ्लावर दैन बैगिंग। उस तो बाद बेटे वो पेरेंट्स जोड़े सीगे बेटे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की, जोड़ा पेरेंट आ गया वो अगे हाइब्रिडाइजेशन की, मिकसिंग की विद इन अदर पेरेंट टू कलैक्ट द सीड्स, सीड्स आ गए जो पोलीनेशन होंगी उस तो बाद सीड्स बन जाते वी नो दैट। फिर बेटे वो सीड्स उन्हें अगे ग्रो किया, फिर जी पॉपुलेशन आई जी जनरेशन आई दैट इज कॉल्ड द फिलियल वन और एफ वन जनरेशन, राइट। जो सीड्स आए उन्हों तो फिर अगे जी जनरेशन आई अगे जे प्लांट्स आए सीड्स जर्मीनेट हुए दैट इज कॉल्ड एज द एफ वन जनरेशन और द फिलियल वन। नैक्सट नो वी नो कि उन्हें हाइब्रिड बना लिया क्योंकि उन्हें ईमैसकुलेशन की, एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के स्टिगमा से डस्ट किए तो हाइब्रिडाइजेशन होगी, दो चीज़ों का सुमेल हो गया, सो दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिड, ठीक है। तो बेटे ये जिहड़ा है जो मिक्स करके आप ईमैसकुलेशन तो बाद मिक्स कर दें वी कॉल इट एज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मतलब कि ऐसा क्रॉस जिदे विच आप इको जीन लिया। इफ सपोज वैन आई डू अ क्रॉस विद रिस्पैक्ट टू वन जीन, मैं इको जीन लिया हाइट वाला टी टी
कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी. मैं हाइट वाले जीन की गल कर रही हूँ, सिर्फ इको जीन की गल कर रही हूँ, ओनली वन जीन आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, वेन आई डू अ क्रॉस विद रिस्पेक्ट टू वन जीन आई विल कॉल इट अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. When I do a cross with respect to two genes, दो genes लिए मैं, I will call it a dihybrid cross. When I will do a cross with respect to three genes, I will call it a trihybrid cross. So first let's talk about a monohybrid cross, then we will talk about a dihybrid cross. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड तो समझ गए, मिक्स करता बाय इमैसकुलेशन, तो मिक्स की कीता वन जीन, राइट. सो सपोज मेंडल ने की कीता बेटे, ही टुक ओनली वन करैक्टर एट वन टाइम. ठीक है, ही टुक ओनली वन करैक्टर एट वन टाइम, ओनली अ सिंगल करैक्टर वॉज स्टडीड एट अ टाइम बाय मेंडल. सपोज सपोज आई एम टेकिंग हाइट, हाइट की गल कर रही है, मैं हाइट वाले जीन की गल करूंगी. आई विल नॉट टॉक अबाउट कलर ऑफ द पॉड, आई विल नॉट टॉक अबाउट द शेप ऑफ द पॉड, आई विल नॉट टॉक अबाउट द साइज ऑफ द पॉड, राइट. आई विल नॉट टॉक वेदर द फ्लावर्स आर एक्सियल और टर्मिनल. आई एम टॉकिंग ओनली एंड ओनली अबाउट द हाइट ऑफ द प्लांट. ठीक है, अगर मैं फ्लावर की गल करूंगी तो मैं हाइट, हाइट की गल नहीं कर रही, पॉड का की साइज है, पॉड का की कलर है, फ्लावर टर्मिनल है या नहीं है, ये सब नहीं देखूंगी. सो आई एम स्टडिंग ओनली वन करैक्टर एट वन टाइम. सो इन वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स मेंडल सिलेक्टेड साइज ऑफ द स्टेम एज अ करैक्टर. एक करैक्टर की गल करनी सी तो मेंडल ने प्लांट की हाइट सी जिहड़ी, स्टेम की हाइट सी, उहदी गल कीती, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट दैट. ठीक है, हुण इह फ्लावर्स का भी किया, परपल ते वाइट फ्लावर के प्लांट्स का भी एक इको जीन स्टडी कर सकते हैं, बट आई एल एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल ऑफ अ हाइट ऑफ अ स्टेम. तो वट डिड मेंडल डू, मेंडल क्रॉस्ड प्योर टॉल, होमोजाइगस है, दोनों कैपिटल टीज है, एंड प्योर ड्वाफ हेटरोजाइगस होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है, दोनों स्मॉल टी है. ठीक है, उन्होंने क्रॉस किया पेरेंट्स लै ले जिन्हों की आप हाइट का जीन स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ एक करैक्टर स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ द हाइट. बाकी जोड़े होर छे करैक्टर्स है मैं उन्होंने गल नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइट. तो दो पेरेंट्स लए, होमोजाइगस पेरेंट्स लए, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, उन्हां दी क्रॉस कराती, क्रॉस पोलीनेशन कराई, मेटिंग कराई, वी कैन से. सो दिस इज प्योर टॉल, दिस इज प्योर डवाफ, क्योंकि स्मॉल टी रिसेसिव है, तो पेरेंट की हुंदा डवाफ. तो उन्हें बेटे प्योर टॉल प्लांट दी क्रॉस पोलीनेशन कराती प्योर डवाफ प्लांट नाल. ठीक है, हुण जे आपां गमीट्स देखिए तो जिहड़ा प्योर टॉल है उहदा गमीट होगा टी, तो जिहड़ा डवाफ है उहदा गमीट होगा स्मॉल टी. टॉल दा कैपिटल टी, तो जिहड़ा डवाफ है उहदा स्मॉल टी. उस तो बाद बेटे एक चैकर बोर्ड बना लईदा है. ठीक है, दिस चैकर बोर्ड इज नोन एज पुनिट स्क्वायर बिकॉज दिस वॉज फॉर फर्स्ट टाइम गिवन बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट नोन एज आर सी पुनिट. ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਿਓਰ ਟੋਲ ਵਾਲੇ ਗਮੀਟਸ ਰੱਖ ਲਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰ ਡਵਾਫ ਵਾਲੇ ਗਮੀਟਸ ਰੱਖ ਲਏ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ. ਜਦੋਂ ਬੇਟੇ ਆਹ ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਕਰੋਸਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਸਮਾਲ ਟੀ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਸਮਾਲ ਟੀ. ਦੈਨ ਦਿਸ ਟੀ ਵਿਲ ਕਰੋਸ ਵਿਦ ਦਿਸ ਟੀ, ਅ ਕੈਪੀਟਲ ਟੀ ਅ ਸਮਾਲ ਟੀ. ਦੈਨ ਦਿਸ टी रेड इन कलर, ठीक है, आई हैव शोन इट. व्हेन इट विल क्रॉस विद दिस स्मॉल टी, वी आर गोइंग टू गेट कैपिटल टी स्मॉल टी. अगेन दिस टी इज गोइंग टू क्रॉस विद टी, वी आर गोइंग टू गेट कैपिटल टी स्मॉल टी. तो इन्हों बेटे आपको कुछ भी आ सकता है, वी कैन गेट एनी
ऑफ दीज तो ए बटे सारे हैटरोजाइगस है होमो तो नहीं पेरेंट्स की सी होमो इको जैसी इतने कैपिटल टी स्मॉल टी है सो ऑल दी ऑफ स्प्रिंग्स जो तो आप एफ वन जनरेशन लवेंगे जेडे आ गमीट्स है ये लवेंगे इन्हों की क्रॉस कराती ठीक है आ पेरेंट्स ले आप इन्हों की आप क्रॉसिंग कराती क्रॉस पोलीनेशन कराती ठीक है अपन जी एफ वन जनरेशन आऊगी जी प्रोजनी आऊगी वो सारी की होगी हैटरोजाइगस ठीक है समझ आई हैटरोजाइगस मीनस वन कैपिटल टी वन स्मॉल टी ठीक है हुण जी जी ऑफस्प्रिंग्स होंगे एफ वन जनरेशन होगी उन्होंने जीन्स केड़े केड़े है कैपिटल टी स्मॉल टी चारों के सेम है सो दिस इज द जीनो टाइप जिहड़ा कि अंदरों अंदर है वो जीन्स किस तरह के है दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी दिस इज कॉल्ड द जीनो टाइप पर जे आप बाहरों देखांगे इसनों तो आप जो कैपिटल टी है दैट इज डोमीनेंट एंड स्मॉल टी इज रिसेसिव जो जो कैपिटल टी है वह स्मॉल टी ते हावी हुंदा है इस करके जिहड़ी भी जनरेशन आई है एफ वन जनरेशन ये सारे की होणगे टॉल टॉल होणगे क्योंकि इन्हां कोले एक कैपिटल टी है तो कैपिटल टी एक्सप्रैस करती है स्मॉल टी रिसेसिव हुंदी है तो सारे की होणगे टॉल बट इमप्योर इमप्योर मतलब हैटरोजाइगस मतलब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी राइट एंड जदों बेटे जिहड़ी एफ वन जनरेशन आउंदी है इट इज़ एग्जैक्टली सेम टू वन ऑफ द पेरेंट हुण पेरेंट एक पेरेंट की सी टॉल तां जिहड़ी जनरेशन एफ वन जनरेशन आई जिहड़े बच्चे आए वह टॉल पेरेंट वर्गे हन क्योंकि उन्हां कोले भी एक डोमीनेंट ट्रेट है एक कैपिटल टी है सो वी हैव गॉट द एफ वन जनरेशन ते उन्हां दा जीनोटाइप की है कैपिटल टी स्मॉल टी चारों दा सेम है दे आर ऑल हैटरोजाइगस दे आर ऑल टॉल बट इम्प्योर एंड दे रिजेंबल वन ऑफ देयर पेरेंट्स दैट इज द टॉल पेरेंट दिस इज वॉट इज़ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस जदों आपां एक करैक्टर की गल करते हैं एक टाइम पर तो बेटे हुण तक आपां की कीता आपां टॉल पेरेंट नूं डवाफ पेरेंट नाल क्रॉस किया क्रॉस पोलीनेशन कराती अपने कोले एफ वन जनरेशन आ गई जिहदा जीनोटाइप सी कैपिटल टी स्मॉल टी एफ वन जनरेशन सी जिहदा जीनोटाइप की सी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दो तरह के जीन्स पए सी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी अलील्स मतलब फिर बेटे इहदी सैल्फिंग कराई जिहड़ी एफ वन जनरेशन सी उहदी सैल्फिंग मतलब एक एफ वन प्लांट नू दूजे एफ वन प्लांट नाल सैल्फ कराता मीनस कैपिटल टी इंटू सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी ठीक है जिहड़ी एफ वन जनरेशन आई इहनू आपस में ही मेट कराता आपस में ही सैल्फ पोलीनेशन कराती ठीक है ये जिहड़े अपने कोले आई सी एफ वन जनरेशन एक हाइब्रिड टॉल सी हाइब्रिड बन गया आपां कहा जदों दो चीज़ां नू मिक्स कर दिंदे आ वी गैट अ हाइब्रिड सो वी कैन कॉल इट एज अ हाइब्रिड टॉल बट ये की है इमप्योर प्योर नहीं क्योंकि कैपिटल टी नहीं एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी सो इट इज़ अ हाइब्रिड टॉल तो एफ वन जनरेशन नू एक दूजे नाल ही पोलीनेशन कराती वी कॉल इट एज सैल्फ पोलीनेशन तो अगर आप देखिए भी ये गमीट्स की होणगे जिन्ना करके ये बने तो इन्हां दे गमीट्स होणगे कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी ठीक है फिर बेटे आप देखना भी जो आप इन्हों क्रॉस कराता तो अपने कोले किस तरह की जनरेशन आऊगी जिहड़ी हुण जनरेशन आऊगी वह एफ टू होगी क्योंकि पहला एफ वन सी एफ वन की आपां सैल्फ पोलीनेशन कराई तो अपने कोले किहड़ी जनरेशन आ गई एफ टू ठीक है तो हाइब्रिड टॉल नूं हाइब्रिड टॉल नाल आपां सैल्फ पोलीनेट कराता ठीक है तो आपां देखना है कि किस तरह की जनरेशन आऊगी वी कैन ड्रॉ अ चैकर बोर्ड अ पुनेट स्क्वायर तो एक साइड पर मैं ये गमीट्स रख ले तो दूसरी साइड पर मैं दूसरे पेरेंट के गमीट्स रख ले वैन दिस टी इज गोइंग टू क्रॉस विद दिस टी क्रॉस विद दिस टी अपने को दोनों कैपिटल टी आ गई प्योर पेरेंट आ गया होमोजाइगस पेरेंट आ गया तो टॉल आ गया ठीक है फिर इस टी का ये करवाना है फिर इस टी का ये फिर यदा ये
सो चैकर बोर्ड बनावे तो इट गैट्स ईजीअर। फिर बेटा जी कैपिटल टी से आप कराया समॉल टी नाल, वी विल गैट अ कैपिटल टी एंड अ समॉल टी, मतलब इमप्योर आ गया, इको जनी दोनों एक कैपिटल है एक समॉल है, बट आपां नूं पता है भी जिहड़ी कैपिटल टी है वह हावी है वह डोमीनेंट है, जिहड़ी समॉल टी रिसेसिव है। जिहड़ा डोमीनेंट हुंदा वह आपदे करैक्टर शो कर जांदा, दूजा नहीं कर पाउंदा, तां होऊगा जिहड़ा जिहड़ा एफ टू जनरेशन जिहड़ा बच्चा होगा की होगा टॉल। ठीक है, फिर बेटे आपां इहनूं समॉल टी नूं इहदे नाल करना है ते फिर इहदे नाल करना है समॉल टी विद कैपिटल टी, वी विल गैट अ कैपिटल टी एंड अ समॉल टी, इहदे वर्गा सेम। ठीक है, इमप्योर हेटरोजाइगस बट टॉल बिकॉज इट हैज़ अ डोमीनेंट करैक्टर। दैन समॉल टी विद समॉल टी वी गैट समॉल टी समॉल टी। हुण इह की है, हैगा तां होमोजाइगस इको जिहा टी टी बट डवाफ है, छोटा रह गया क्योंकि इहदे कोल डोमीनेंट करैक्टर है ही नहीं, हाइट आउणी कित्थों सी कैपिटल टी तो, कैपिटल टी है ही नहीं तां डवाफ रह गया, शॉर्ट रह गया। होमोजाइगस है, प्योर है बट डवाफ, तो यह की है रिसेसिव है। ठीक है, हुण आपां नूं इह पता है कि कैपिटल टी डोमीनेंट हुंदी है ते समॉल टी रिसेसिव हुंदी है। उस तो बाद बेटे जदों आपां कोई भी पुनेट स्क्वायर बनाउणे आ, कोई भी क्रॉस बनाउणे आ, उस तो बाद आपां नूं पुछा जांदा है कि उहदा जीनोटाइप ते फीनोटाइप दसो। तां हुण आपां की देखा, जीनोटाइप मतलब अंदरों जीन्स किहो जिहे आ, एक तरह के जीन्स आ दोनों सेम, दो तरह के जीन्स ते आ तीजा, तां आपां कह सकदे आ किन्नी रेशो आई, 1:2:1, 1:2:1, 1 प्योर टॉल होमोजाइगस, जिहड़े आ दो है ये सेम है, दे आर हाइब्रिड टॉल्स, दे आर इमप्योर बट टॉल, हैटरोजाइगस कह सकते हैं। तो एक जिहड़ा अपने कोल आया दैट इज़ प्योर ड्वार्फ, इट्स प्योर बट इट इज़ होमोजाइगस। ये तो हो गया जीनोटाइप, जिहड़ा अंदरों अंदरों की है तीन तरह के जिहड़े जिहड़े हैगे अपने कोल जनरेशन आई है। बट इफ वी हैव टू सी द फीनोटाइप, हुण याद रखने लिए पी ते फीनोटाइप पैंदा, पी ते फिजिकल अपीयरेंस भी बाहरों कहो जे है। बाहरों बेटे आ तीनों तो टॉल ही दिखणगे आपां नूं, क्योंकि इन्हां कोल तां चलो दोनों डोमीनेंट है, इन्हां कोल एक एक डोमीनेंट करैक्टर हैगा, तां तीन टॉल ते एक है जिहड़ा ओह ड्वार्फ। बाहरों आपां नूं तीन प्लांट्स टॉल दिखणगे, एक शॉर्ट दिखूगा, दिस इज कॉल्ड द फीनोटाइप, this is what is a monohybrid cross. Now on the basis of monohybrid cross I know that capital T is dominant over small t, capital Y is dominant over small y, capital R is dominant over small r. jive t da thonu pata hai capital T is for height, theek hai, it's a dominant character. Y apa kya si for seed color, येलो कलर है जिहड़ा डोमीनेंट ओवर ग्रीन कलर, राउंड शेप्ड ऑफ द सीड इज डोमीनेंट ओवर रिंकल्ड, तो यह तो आपां नूं पता है। ठीक है, इत्थों आपां बेटे फिर इस चीज़ तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस दे बेस ते जदों मैनूं यह पता लग गया कि डोमीनेंट किहड़ा है रिसेसिव किहड़ा है, जे मैं प्योर डोमीनेंट नूं जिहड़ा है प्योर टॉल नूं प्योर ड्वार्फ नाल क्रॉस करा दूंगी तां मेरे कोले कैपिटल टी समॉल टी आजूगी लाइक दिस, कैपिटल टी इंटू समॉल टी इंटू समॉल टी। ठीक है, आ प्योर पेरेंट्स सी, इन्हां नूं मैं क्रॉस कराता, मेरे कोले इमप्योर एफ वन जनरेशन आ गई बट इट इज़ टॉल बिकॉज टी इज़ डोमीनेंट ओवर दिस समॉल टी विच इज़ रिसेसिव। तो ये बेस से बेटे मेंडल ने देता फस्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विच इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमीनेंस। तो हुण तक आपां की पता चल चुके है कि जिहड़े करैक्टर्स है दे आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स, हर एक जीन है जिहड़ा वह एक करैक्टर नूं कंट्रोल करता है, तो उस टाइम उन्हें जीन्स लई वर्ड यूज किया सी फैक्टर्स, एंड वी नो जीन्स अकर इन पेयर्स, पेयर्स पे होंगे है। ठीक है, सो फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, वैन टू अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ ट्रेट और करैक्टर आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गनिजम ओनली वन फैक्टर एक्सप्रेस। हूँ पे तो दोनों कैपिटल टी भी पे है समॉल टी भी पे है, पर एफ वन जनरेशन के
एक्सप्रेस एक ही करता, एक ने एक्सप्रेस किया किड़े ने किया जिहड़ा डोमीनेंट सी। फैक्टर्स विच एक्सप्रेस इन दी एफ वन जनरेशन आर कॉल्ड डोमीनेंट, फैक्टर्स विच रिमेन हिडन इन एफ वन जनरेशन आर कॉल्ड एज रिसेसिव। सो दिस इज वॉट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस और द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय मेंडल। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट द डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड द सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस।